क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन को एक बार बताओ इसको। करंट के द्वारा लगता हूँ, चलो मैं बता दूंगी। मैंने पूछा था किसके द्वारा, किसके द्वारा? करंट के द्वारा, है ना? करंट के द्वारा कई काम करता है, जिसमें कर्ता भी हो सकता है, कर्म भी हो सकता है, है ना? हाँ जी, के द्वारा कोई काम करता है तो उसको करक कहते हैं। ये डेफिनेशन तो आपको स्टार्टिंग में ही दिखाई गई है, कारक में। हाँ, करण वाली कंडीशन में दिखाई गई है ना। करण का एक एग्जांपल दो, पलक कंफ्यूजन है दीदी। अब जैसे ये एग्जांपल है जिसके द्वारा कोई कोई काम करता है, जैसे मैंने बोला गुनगुन ने रोशनी को पढ़ाया, तो है ना ये दीदी, पहले इसको किसने पढ़ाया? तो भाई काम कौन कर रहा है? गुनगुन कर रही है ना काम जी दीदी। किससे कर रही है? पेन कर रही है। तो ये करड़ वाली कंडीशन आ जाती है, ठीक है जी दीदी, समझ गए जी। मैं दो चीजें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। इसी तरीके से आप पढ़ा करो चीजों को तोड़ के जी दीदी। अब मैं पूछती कि गुनगुन ने रोशनी को, इसमें को क्या है तो आप क्या बताते? रोशनी को क्या है? को कौन सा कारक है, सॉरी कौन सा कारक है? इसमें क्या और किसको का जवाब मिले? वो कर्म होता है। रोशनी ने, सॉरी गुनगुन ने किसको पढ़ाया पेन से? किसको, किसको पढ़ाया? रोशनी को पढ़ाया ना जी। किसको का जवाब मिल रहा है? कर्ता वाली कंडीशन हम जानते हैं, किसने वाली कंडीशन आती है। किसने पढ़ाया, किसने रोशनी को पेन से पढ़ाया? किसने पढ़ाया? गुनगुन ने, तो गुनगुन हो गई यहाँ पे कर्ता। और पेन से कोई काम हो रहा है तो वो कर्ता करेगा या कर्म करेगा? कर्ता करेगा ना जी। कर्म को तो वो करने जा रहा है। ये चीज हो गया, तीनों चीजें इसमें क्लियर हो चुकी हैं। कौन काम कर रहा है, किसको करवा रहे हैं और कौन किससे काम कर रहा है, ठीक है? चलो पलक बता दो। सबको जो स्वीकृति मिली वो कब मिली? 14 सितंबर 1949 को। आप बताओ, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? हिंदी भाषा का दीदी। हिंदी भाषा को कौन सी भाषा माना गया है अपने भारत देश में? भारत देश में ऑप्शन